आज से लगभग 900 साल पहले राजस्थान के अजमेर में एक विशाल सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसे चौहान राजवंश के राजा विग्रहराज चौहान चतुर्थ द्वारा बनवाया गया था। ये महाविद्यालय आज भी अजमेर में मौजूद है, लेकिन आज इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा है, जो एक मस्जिद बन चुका है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को छल से पराजित करके अफगान लौट रहा था, तब रास्ते में इस विशाल संस्कृत महाविद्यालय को देख उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को इसे लूट कर यहाँ पढ़ रहे हिंदू और जैन छात्रों की हत्या करके ढाई दिन के अंदर इस महाविद्यालय की जगह मस्जिद बनाने का आदेश दिया। इतने कम समय में इस विशाल महाविद्यालय को पूरा तोड़कर उस पर मस्जिद बनाना असंभव था, जिस कारण इसमें बस नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई और तब से इस भव्य संस्कृत महाविद्यालय का नाम ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया। इसके अंदर 25 फीट ऊंचे 70 स्तंभ हैं, जो हिंदू वास्तु शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। अब आप बताओ, आपको भी सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय वापस चाहिए? और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।